हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी ऑफ DRT पार्ट सेकंड। रेडियोथेरेपी में अपना टॉपिक चल रहा था रेडियो एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये चीज़ें कि अपना जो डिपार्टमेंट है दैट मीन्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम हर चीज़ में रेडिएशन से डील करते हैं और आपकी जो रेडिएशंस निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज से निकलती हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं रेडियो एक्टिव सोर्सेज, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव जो सोर्सेज होते हैं दैट मीन्स जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स है, उनमें से जब रेडिएशन निकलती है तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है और किस प्रोसेस के कारण ये सब होता है। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है कि जितने भी आपके रेडियो एक्टिव सोर्सेज है इनके अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इनके जो एटम्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर डीके होता रहता है, दैट मीन्स वो टूटते रहते हैं, ठीक है। होता क्या है कि वो अनस्टेबल स्टेट में होते हैं और वो स्टेबल स्टेट में जाना चाहते हैं, और इसी कंडीशन को पूरा करने के लिए दैट मीन्स अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाना, इसी कंडीशन को पूरा करने में वो हमेशा लगे रहते हैं। ना तो वो स्टेबल स्टेट में जा पाते हैं, ठीक है, वो हमेशा डीके होते रहते हैं। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनका एमिशन दैट मीन्स, या फिर एक्सरेज, गामा रेज, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, इनका एमिशन करते रहते हैं और वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता रहता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये क्या कहलाता है आपकी, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी एक कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स स्वतः उत्सर्जन, लगातार प्रोसेस होती रहती है, लगातार इसमें रेडिएशंस या फिर पार्टिकल जो नेचर की जो रेडिएशंस होती हैं वो आपकी निकलती रहती हैं। रेडियो एक्टिविटी के वक्त जो भी आपका एटम और मॉलिक्यूल है दैट मीन्स जो रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसमें रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होगी, वो क्या करता है, अपना एटॉमिक नंबर चेंज कर लेता है, अपनी केमिकल आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। किसके चक्कर में, केवल और केवल अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाने के लिए। अब अगर अपन बात करें कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती है आपकी, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी जो प्रकृति में प्रकृति के रूप पाई जाती है, आपके पास जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज के रूप में ही मिलते हैं, दैट मीन्स उनमें हमेशा डीके होता ही रहता है। और आर्टिफिशियल दैट मीन्स कि जो स्टेबल कंपाउंड्स आपने उनको क्या किया, अनस्टेबल में कन्वर्ट कर दिया, अब वो क्या करेगा, स्टेबल में जाने की कोशिश करता रहेगा और वो निरंतर रेडिएशन का एमिशन करता रहेगा। तो वो रेडियो एक्टिव सोर्स या फिर वो रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस कौन सी कहलाती है आपकी, आर्टिफिशियल कहलाती है। अब अगर अपन नेचुरल की बात करें तो नेचुरल को तो सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरी बैकरल ने, और जो आर्टिफिशियल है उसकी अगर अपन बात करें तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले खोजा था मैडम क्यूरी ने, ठीक है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था डिसइंटीग्रेशन लॉ, DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, है ना, उसी पे अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो वहाँ पे अपने पास एक लॉ था, लॉ ये बता रहा था आपको कि जितने आपके पास रेडियो एक्टिव एटम्स होंगे उतना ही DPS होगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होगा। जितना डिसइंटीग्रेशन दैट मीन्स एटम्स रेडियो एक्टिव के जो सोर्सेज हैं दैट मीन्स वो आपके पास ज़्यादा होंगे तो डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर वो कम है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डिसइंटीग्रेशन कम होगा। इसी फॉर्मूले को पढ़ते हुए, इसी लॉ को पढ़ते हुए हमने वहाँ पे एक लास्ट के अंदर फॉर्मूला डेराइव किया था जो था n = n0e^-λT। n क्या था वहाँ पे, दैट मीन्स कि डीके के बाद में या फिर नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के बाद में कितने एटम्स बचे, एन नॉट यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ एटम्स थे, ई यहाँ पे लॉगरिथम है, लैम्डा और टी, लैम्डा यहाँ पे क्या था आपका डीके कॉन्स्टेंट था और टी आपका यहाँ पे क्या था टाइम था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो दो मेन टॉपिक है, एक है हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करना, और दूसरा दैट मीन्स कि रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, तो हम यहाँ पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्स। हाफ लाइफ में क्या होगा, देखो नॉर्मल सी बात है, लाइफ हाफ हाफ दैट मीन्स 50%
लाइफ स्पैन दैट मीन्स कि जो आपका यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स है उसकी जो लाइफ की बात की जा रही है उसकी बात की जा रही है। होता क्या है हाफ लाइफ, दैट मीन्स वो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम में जो ओवे से बात है, आपको पता है कि आपका जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो लगातार डीके हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जहाँ पे एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उसके जो एटम्स हैं वो आधे डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे और वहाँ पे आधे ही बचे होंगे। ऑब्वियस बात है रेगुलर आपका जो एटम है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एटम्स के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, तो वहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे वहाँ उस पूरे एटम के जो स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल्स थे जो एटम्स थे उनमें से आधे तो डिसइंटीग्रेट हो गए और केवल कितने बचे हैं वहाँ पे आधे और बचे हैं। तो दैट मीन्स ये जो टाइम ड्यूरेशन यानी जिस टाइम पे ये चीज़ें होती है, दैट मीन्स जिस टाइम पे केवल और केवल आधे वहाँ पे एटम्स बचते हैं वो टाइम ड्यूरेशन ही क्या कहलाता है, उस रेडियो एक्टिव सोर्स की हाफ लाइफ कहलाती है। एक बार दोबारा से समझना इसको, कोई भी आपका जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है उसमें कंटिन्यूअस लगातार डिसइंटीग्रेशन डीके होता रहता है, दैट मीन्स लगातार एटम्स टूटते रहते हैं और रेडिएशन निकलती रहती है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके दैट मीन्स जो इनिशियल जो स्टार्टिंग में जितने एटम्स थे उस सोर्स में उसके आधे एटम्स डीके हो चुके हैं, दैट मीन्स टूट चुके हैं और वहाँ पर कितने बचे हैं, आधे ही बचे हैं। तो वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे ये कंडीशन आती है कि जब आपका कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है उसमें से आधे एटम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और आधे ही बचे हैं, वो टाइम ड्यूरेशन क्या कहलाता है, आपका हाफ लाइफ कहलाता है। इसकी थ्योरी देखते हैं अपन। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन फॉर द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द एटम्स टू डिसइंटीग्रेट। दैट मीन्स कि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे कि द टाइम टेकन फॉर द हाफ द नंबर ऑफ टू एटम्स टू डिसइंटीग्रेट, कि आधे एटम्स को डिसइंटीग्रेट होने में कितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियस बात है आधे आपके एटम्स वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होंगे और आधे बचेंगे, वो टाइम कौन सा कहलाएगा, आपका हाफ लाइफ कहलाएगा। फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, तो जैसा कि अभी अपन ने बात की थी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लॉ की, तो वहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आया था n इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर लैम्डा टी। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम हेल्प से हम किसी भी एटम की हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। अब हाफ लाइफ में हुआ क्या है वो चीज़ें दो डिस्कस करना। इफ टी इज इक्वल टू टी वन बाई टू, दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया, हमने सपोज किया कि अब आपका टाइम कितना हो चुका है, हाफ हो चुका है, दैट मीन्स वो टाइम आ चुका है कि जब आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बच गए, आधे बच गए, ठीक है। तो आपकी जो n की वैल्यू है, n यहाँ पे क्या था, डिसइंटीग्रेशन के बाद में कितने एटम्स बचे हैं, ऑब्वियस बात है टाइम आधा हो चुका है, दैट मीन्स t हाफ, ठीक है। तो उसके बाद में जो आपके एटम्स हैं वो कितने बचेंगे, तो n की वैल्यू आपकी चेंज होगी, इनिशियल तो जितने थे उतने ही बात करेंगे अपन। अब इनिशियल जो थे उसके कितने होंगे उस टाइम में, हाफ होंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू आती है आपकी n इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू। इस चीज़ को एक बार दोबारा समझ लेना कि अपन सपोज कर रहे हैं कि हाफ टाइम में कितने नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, तो t इज इक्वल टू t हाफ हो गया और उस वक्त आपके जो नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन होंगे वो होंगे n इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू। अब जैसे ही ऊपर वाला जो फॉर्मूला है अपना इसमें हम वैल्यू रखेंगे ये, तो n की जगह हमने रखा एन नॉट बाई टू इज इक्वल टू एन नॉट आपका एज इट इज e की पावर माइनस लैम्डा और t की जगह हमने यहाँ पे रख दिया t वन बाई टू। दोनों तरफ n नोट आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बचेगा वन बाई टू इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t वन बाई टू। डेरिवेशन को अच्छे से समझना है, यहाँ पे हमने किया क्या है, t की जगह t हाफ रखा है, n की जगह n नोट बाई टू रखा है। n की जगह जब अपन n नोट बाई टू रखते हैं तो आपके पास फॉर्मूला आता है n नोट बाई टू इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा t वन बाई टू। यहाँ से जब हम n नोट को कैंसिल करते हैं तो आपके पास में फॉर्मूला मिलता है वन बाई टू इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t वन बाई टू। अब आगे क्या होता है इस डेरिवेशन में डिस्कस करते हैं। आगे क्या होगा कि आपका जो था वन बाई टू था, जब इसको आप रेसिप्रोकल दैट मीन्स टू को जब ऊपर लाओगे दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ा,
रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आता है 2 और RHS में आपको मिलता है e की पावर लेमडा T1/2। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो आपका जो माइनस साइन है वो यहाँ पे हट जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि e की वैल्यू को हटाने के लिए आपको दोनों साइड लोग लेना पड़ेगा, तो जैसे आप दोनों साइड लोग लोगे तो इस साइड अगर अपन लोग लेते हैं तो आपके पास आता है लोग 2 इज इक्वल टू, और उधर आपका e से लोग की वैल्यू से दैट मीन्स ही हट जाएगा, e कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा लेमडा T1/2। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, T1/2 की, तो हमने लेमडा को ट्रांसफ़र किया लोग 2 के नीचे, ठीक है। T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, और लोग 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.693। लेमडा क्या था यहाँ पे, डीके कांस्टेंट था। अब अगर हमें किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स का अगर डीके कांस्टेंट पता है तो उसकी वैल्यू लेमडा की वैल्यू हम यहाँ पे रख के उस रेडियो एक्टिव सोर्स की हाफ लाइफ के बारे में पता लगा सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लो इसको डेरिवेशन को, वहाँ पे अपने पास फॉर्मूला आया था 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा T1/2। तो जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो एक तरफ तो आता है 2 बचता है और दूसरी तरफ माइनस साइन हट जाएगा e की पावर लेमडा T1/2। दोनों तरफ जब अपन लोग लेते हैं तो इस तरफ आपके पास आता है लोग 2 और उस तरफ आता है आपका लेमडा T1/2। जैसे आप लोग 2 के नीचे लेमडा को ले के आते हो तो आपके पास T1/2 की वैल्यू आ जाती है। लोग 2 की वैल्यू होती है 0.693, इस वजह से T1/2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लेमडा। अब अपन बात करते हैं कुछ रेडियो एक्टिव सोर्सेज की, कि उनका अपने को डीके कॉन्स्टेंट पता भी है और उनकी हाफ लाइफ अपन ने निकाल रखी है तो उनकी हाफ लाइफ कितनी होती है। रेडियम 226, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने 4 लिखे हैं, सीजियम 137, कोबाल्ट 60, इरिडियम 192। यहाँ पे ये 226, 137, 60, 192 है क्या, ये इनका एटॉमिक वेट है ना कि इनका एटॉमिक नंबर। तो जैसे कि अगर इनकी बात की जाए कि रेडियम जो आपका 226 है उसकी हाफ लाइफ होती है 1622 ईयर्स, दैट मीन्स 1622 साल में वो आधा डिसइंटीग्रेट होगा। सीजियम 137 है वो 30 साल में हो जाएगा आपका, कोबाल्ट 60 है वो 5.26 साल में ही क्या हो जाएगा, आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर अपन इरिडियम 192 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 73.8 डेज, दैट मीन्स इसको आधा डिसइंटीग्रेट होने में 74 डेज भी नहीं लगेंगे, 73 डेज में ही ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ग्राफ की, कि आपका जो ग्राफ होगा हाफ लाइफ का वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है, दूसरा परसेंटेज ऑफ द पेरेंट आइसोटोप रिमेनिंग, दैट मीन्स कि पेरेंट जो आपका जहाँ से डिसइंटीग्रेट होना चालू हुआ है वो कितना बचा है, रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचा है, कितना परसेंटेज में बचा है। अपन ने स्टार्टिंग में लिया उसको ग्राफ जो अपन बना रहे हैं, स्टार्टिंग में अपन पास कितना था, वो 100% था। एक हाफ लाइफ जो भाई फर्स्ट, तो वो कितना हुआ, 50 हुआ। ग्राफ को आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ऊपर वाला इन्होंने डायग्राम भी बनाया, डायग्राम के थ्रू अपन समझ रहे हैं कि ऊपर जो था फर्स्ट शो था जब सारे के सारे रेड डॉट है, दैट मीन्स सारे के सारे एटम आपके पास थे, अब यहाँ पे आधे बचे हैं, आधे डिसइंटीग्रेट हो गए 50%। जैसे आपकी सेकेंड हाफ लाइफ हुई तो पहले 50 था, अब 50 का आधा कितना होगा 25, दैट मीन्स 25% वहाँ पे बचेंगे, बाकी के डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। थर्ड हाफ लाइफ में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास बचेंगे 12.5, ठीक है। इस तरीके से हाफ लाइफ जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आपका जो एटम्स है वहाँ पे उनका डिसइंटीग्रेशन, दैट मीन्स वो 50% होते जाएंगे, घटते जाएंगे और आधे होते जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ग्राफ अगर अपन बनाते हैं, जहाँ पे ये लास्ट में नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, यहाँ पे नीचे ग्राफ कभी भी टच नहीं करता, दैट मीन्स ग्राफ की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। जो आपका रेडियो एक्टिव सोर्स है उसकी रेडियो एक्टिविटी उसकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा डिसइंटीग्रेट होगा। अपन ये मान सकते हैं कि वो रेडिएशन कम देने लग जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी, बट जीरो वैल्यू नहीं हो सकती। हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आपको पता चल रहा है 100 का आधा 50 हुआ, 50% बचा, फिर वो 25% बचेगा, फिर वो वहाँ पे 12.5% बचेगा, फिर वो वहाँ पे 6.125
प्रेसेंट बचेगा। इस तरीके से फिर 6 से वो लगभग 3 के समथिंग आया, 3 के समथिंग वो फिर 1.5 समथिंग आएगा। इस तरीके से ये वैल्यू 0 की तरफ चलती रहेगी, बट 0 कभी भी नहीं होगी। प्रैक्टिकली अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन चीज़ों को करके देख सकते हो। आप 100 को लें और फिर 100 को 2 से डिवाइड करते जाएं, आपके पास वैल्यू आती रहेगी। दैट मीन्स वो वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगी, वो 0 की तरफ टेंड करेगी। दैट मीन्स हम उसको लास्ट में 0 के बराबर मान सकते हैं, बट वो 0 नहीं होती। इसी वजह से ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को टच मत करना। अगर इसको नीचे आप टच कर देते हो ग्राफ गलत हो जाता है, बिकॉज जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। वो हमेशा रेडिएशंस को निकालता ही रहता है, रेडिएशंस हमेशा एमिट होती रहती है उसमें से। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसा कि यहाँ पे ऊपर जो डायग्राम है उसमें आपने देख लिया किस तरीके से आपके रेडियो एक्टिव सोर्स के एटम्स डिसइंटीग्रेट है। अब जो रेडियो एक्टिविटी थी उसके हमने बात की थी कि रेडियो एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है और एक होती है आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मैंने आपको पहले बता दिया नेचुरल प्राकृतिक, जो प्रकृति में आपको मिला वैसा का वैसा आपने उसे काम में ले लिया। आर्टिफिशियल दैट मीन्स उसमें आपको चेंजेस करने पड़े, और चेंजेस करने के लिए आपको दैट मीन्स आपने लैब में किए, इंडस्ट्री में किए, कहीं पे भी आपने उस पर चेंजेस किए, कुछ चेंजेस करने पड़े केमिकली, तभी जाके उसको आप काम में ले सके। वो चीज़ें कौन सी होंगी? आपकी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होगी। डिस्कवरी की अगर इनकी बात की जाए तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले हेनरी बैकरल ने 1896 में डिस्कवर किया था। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को मैडम क्यूरी ने 1934 में डिस्कवर किया था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इन दिस प्रोसेस द सब्सटेंस ऑलरेडी हैज रेडियो एक्टिविटी इन द नेचुरल स्टेट। दैट मीन्स कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो भी आपका सब्सटेंस होता है उसमें प्रकृति के अंदर जो किसकी नेचुरल स्टेट है, जैसे स्टेट में वो आपको मिला है नेचर के अंदर, उसी स्टेट में क्या होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। दैट मीन्स वो रेडिएशन एमिट करता रहता है और लगातार उसमें डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, वो आपको मिलता है इसी स्टेट में। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द रेडियो एक्टिविटी हैज़ बीन इंड्यूस्ड बाय द इरेडिएशन। यहाँ पे क्या होता है कि आपको इरेडिएशन, दैट मीन्स उसके रेडिएशन देनी पड़ती है उसको, आपके उसके अंदर केमिकल चेंजेस कराने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे क्या होती है कि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस इंड्यूस्ड होती है, दैट मीन्स उत्पन्न होती है। नेचुरल में प्रकृति में जैसा सब्सटेंस था वो एज इट इज़ आपको रेडियो एक्टिव सोर्स के रूप में मिलेगा, और जो आर्टिफिशियल है वहाँ पे आपको उसको रेडियो एक्टिव बनाना पड़ेगा। There are about 300 different nuclides from which 25 are radioactive with sufficiently long period so that they exist even today. अगर अपन बात करें कि टोटल 300 डिफरेंट nuclides में से केवल 25 ऐसे हैं कि जो रेडियो एक्टिव हैं विद sufficiently long period, that means उनका जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है, ज़्यादा है, so that they exist even today, इसीलिए वो आज तक क्या है, exist हैं। भाई obvious ही बात है, आपको जो पता है कि रेडियो एक्टिव सोर्स है वो लगातार disintegrate हो रहा है। अब आपके जो नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स है उनका टाइम पीरियड ज़्यादा है तभी आज तक वो हैं, बिकॉज नेचुरल जो रेडियो एक्टिव सोर्स है वो पहले भी थे, अगर वो उनका जो हाफ लाइफ थी अगर वो उनके कम होती तो आज तक वो अपने पास होते नहीं। दैट मीन्स होते उनकी जो पावर थी वो बहुत कम हो चुकी होती, उनके हाफ लाइफ ज़्यादा होने के कारण क्या वो आज तक प्रेजेंट है। ओवर 1000 आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स हैव बीन क्रिएटेड एंड आइडेंटिफाइड। और अभी तक अगर अपन लैब की बात करें, अपनी केमिकली जो अपन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने अभी तक 1000 आर्टिफिशियल न्यूक्लियाइड्स क्रिएट कर चुके हैं, अपन आइडेंटिफाई कर चुके हैं। जो भी साइंटिस्ट है जो करते हैं काम, उन्होंने अभी तक 1000 रेडियो न्यूक्लियाइड्स नए बना दिए हैं। दे आर कंटिन्यूसली क्रिएटेड एंड डीके इनटू रेडियो एक्टिव सीरीज। कंटिन्यूसली अपन इनको क्रिएट करते रहते हैं, दैट मीन्स मिलते रहते हैं अपने को, और ये हमेशा इनकी जो रेडियो एक्टिव सीरीज है वहाँ पे इनका डीके होता रहता है। द रेडियो एक्टिव सीरीज आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली। अब जो आर्टिफिशियल होगा वहाँ पे सारी चीज़ें आर्टिफिशियली होंगी, मैनमेड होंगी, हर चीज़ें आदमी कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं। क्रिएटेड आर्टिफिशियली विद द नेम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड ऑफ द लॉन्गर पीरियड। हम ऑब्वियसली बात है, कोई भी आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियाइड बनाएंगे तो किसी एलिमेंट की सहायता लेंगे, और वो एलिमेंट क्या कहलाएगा, फिर पेरेंट एलिमेंट कहलाएगा वहाँ पे। तो दैट मीन्स कि जो पेरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं उनकी सहायता लेके यहाँ पे रेडियो न्यूक्लियाइड की रेडियो एक्टिव सीरीज बनाई जाती है, और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाइड के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग की जाती है।
नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज शोन बाय द एलिमेंट्स विद हाई एटॉमिक नंबर दैट इज ग्रेटर देन 83 विद सम एक्सेप्शंस लाइक पोटेशियम 40। दैट मीन्स कि अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वहाँ पे वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है वहीं पे आपको ज़्यादातर नेचुरल रेडियो एक्टिव सोर्स मिलेंगे। दैट मीन्स नेचुरल रेडियो एक्टिविटी मिलेगी। एक एक्सेप्शन है पोटेशियम 40 जिसका एटॉमिक नंबर 83 से कम है और वो रेडियो एक्टिव है। आर्टिफिशियल अगर रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे अपन खुद बना रहे हैं, हम लो एटॉमिक नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हाई एटॉमिक नंबर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कैन बी इंड्यूस्ड इन हाई एज वेल एज लो एटॉमिक नंबर सच एज कोबाल्ट 60, सीजियम 137। दैट मीन्स यहाँ पे अपन हाई भी काम में ले सकते हैं और लो भी काम में ले सकते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है कि आपका जो नेचुरल जो आपकी रेडियो एक्टिविटी है वहाँ पे आपको बनाना नहीं पड़ रहा, केवल ढूंढने पड़ रहे हैं एलिमेंट्स को, आपको निकालने पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका एलिमेंट मिला वो रेडियो एक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उनको बनाने के लिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बट आर्टिफिशियल में क्या, जब आप बनाओगे दैट मीन्स वहाँ पे न्यूट्रॉन्स का बम्बार्टमेंट, उनको रेडिएशन दोगे, उनको स्टेबल से क्या करना पड़ेगा, आपको अनस्टेबल करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी एटम्स को अनस्टेबल से स्टेबल करते हो तो वो ईजिली हो जाता है, बिकॉज वो खुद क्या चाहता है कि स्टेबल स्टेट में जाए। बट अगर कोई एटम्स पहले से स्टेबल स्टेट में, उसको आपको अनस्टेबल में करना है तो ऑब्वियसली बात है कठिन कार्य होगा। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, उनको रेडिएशंस देनी पड़ती है। रेडिएशंस देने के बाद में वो क्या होते हैं, अनस्टेबल स्टेट में जाते हैं और फिर वो रेडियो एक्टिव सोर्सेज की तरह बिहेव करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं लगातार। वहाँ पे कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस स्वतः उत्सर्जन होता रहता है, डिसइंटीग्रेशन होता रहता है और रेडिएशन का एमिशंस होता रहता है। तो ये आपका टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी, एक छोटा सा टॉपिक था रेडियो थेरेपी के अंदर। रेडियो एक्टिविटी का आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, दैट मीन्स लॉन्गर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। छोटा क्वेश्चन शॉर्ट नोट के अंदर बहुत बार रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछ लेता है, या फिर एक शॉर्ट नोट में डिफरेंस पूछ लेता है यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। तो जैसा कि अगर अपन बात करें यहाँ पे कि अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, छोटा आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे आपका क्वेश्चन इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन पूछे तो वहाँ पे फिर आपको डिसइंटीग्रेशन लो को भी बताना होगा, आपको हाफ लाइफ को भी बताना होगा। अगर क्वेश्चन गलती से लंबा आ भी जाता है तो फिर आपको यहाँ पे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ग्राफ, एवरीथिंग यहाँ पे बतानी होगी। दैट मीन्स डिपेंड करता है क्वेश्चन के नंबर पे कि आपको कितना डेराइव करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन छोटा ही पूछा जाता है रेडियो एक्टिविटी का, तो आपका जो रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी भी इतनी वाइड है कि हम एक साथ अभी इसको नहीं पढ़ सकते। हर एक अलग अलग अगर रेडियो न्यूक्लाइड की अपन प्रोसेस पढ़े कि वहाँ पे उसको कौन सी रेडिएशन हम देंगे तब वो आपका आर्टिफिशियल में चेंज होगा, यहाँ पे से कौन से प्रोटॉन्स निकलते हैं, कौन से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, क्या चीज़ें, कौन सी प्रोसेस होती है, कितनी एनर्जी निकलती है, कितनी एवरेज एनर्जी कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें अगर अपन पढ़ने लगे यहाँ पे तो अभी आपका यहाँ पे दैट मीन्स बहुत लंबा, हर एक जो आपका यहाँ पे अपन बात करें रेडियो थेरेपी की, ऑब्वियसली बात है कि अपना जो कोर्स है यहाँ पे वो डिप्लोमा का कोर्स है। डिप्लोमा में जितनी भी चीज़ें आपको पढ़नी है आपको केवल उनको सुपरफिशियली पढ़नी है, वाइडली नहीं पढ़नी है। वाइडली अगर आप पढ़ने लगे तो एक सब्जेक्ट का सिलेबस और एक टॉपिक का सिलेबस आपका बराबर होगा। तो यहाँ पे आपकी रेडियो एक्टिविटी ख़त्म होती है। थैंक यू।